जहां एक तरफ अब सवी जो है पूजा में आधे से उठकर ही चली गई, वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यहाँ पर अश्मिता बार बार सवी को अब ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे अपने इस रिश्ते को एक मौका जरूर देना चाहिए। उसका कहना है कि ईशान इतना बुरा नहीं है और अगर वो कोशिश करेगी तो उसका और ईशान का रिश्ता जो है वो अच्छा हो सकता है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ईशान और सवी आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता ठीक करते नजर आएंगे या नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन जब अश्मिता ये सारी बातें सवी को समझा रही होगी तभी अक्का साहेब जो है वो वहां पर आ जाएंगी। जी हाँ, अक्का साहेब अश्मिता की ये सारी बातें सुन लेंगी और उसके बाद जिस तरीके से अब अश्मिता पर गुस्सा फूटने वाला है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि अक्का साहेब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और ऐसे में अब जब अक्का साहेब जो है यहाँ पर सुनेंगे अश्मिता की बातें तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि परिवार में अगर अश्मिता और शिखा इसी तरीके से करते रहे तो सवी और ईशान एक दिन नजदीक आ ही जाएंगे और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सवी और ईशान नजदीक आए। उन्हें सवी बिल्कुल पसंद नहीं, उनके लिए अगर कोई बहू है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रीवा। तो अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर अक्का साहेब अश्मिता और सवी पर चिल्लाएंगी और साफ साफ अश्मिता को भी कहेंगी अगर तुम चाहती हो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। तो अब एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जो जो भी सवी और ईशान को करीब लाने की कोशिश करेगा उसको जो है अक्का साहेब बाहर का रास्ता दिखाती नजर आने वाली हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अक्का साहेब ये जो भी कर रही हैं सही है या गलत? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।